संविधान की चक्की बहुत मशीन पीसती है। इस देश में 90% आबादी दलित पिछड़े आदिवासियों की है और उनका ही रिप्रेजेंटेशन होगा, संविधान पूरी तरह से लागू होगा। मायावती जी ने नहीं चलाया, उनकी माँ क्या थी, गरीब घर से थी। राबड़ी देवी ने नहीं चलाया, कि कहा जाता है कि आरक्षण के बदौलत वहाँ बैठे। ये लोग जो कह रहे हैं ना, वो सबसे ज्यादा आरक्षण 2000 साल से खा रहे हैं। आरक्षण विरोधी तो देश विरोधी है, संविधान विरोधी लोग हैं। और अब इस देश में किसको आरक्षण नहीं मिल रहा है, एक का बताइए। हमें किसी से बेमनस्ता नहीं। आज जो संविधान है, हमको बहुत संवैधानिक अधिकार चाहिए। पीछे क्या हुआ नहीं हुआ, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं बहुत। हाँ, अमृतकाल जिनके लिए चल रहा है चल रहा है, हमारे लिए तो नहीं चल रहा है। हमारे लिए तो बेरोजगारी है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, कंपनियां बेची जा रही है, हमारे बच्चे मजदूर बन रहे हैं, हम जनरल बोगी में चल रहे हैं। तमाम हमारे बहुजन समाज के जो युवा नेता हैं उनको संसद भेजना पड़ेगा, 90% बहुजनों को संसद आना पड़ेगा, तभी उनके संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। उनका अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय नेता, मायावती जी दलित नेता, उनसे बड़ा कौन राष्ट्रीय नेता है। आडवाणी राष्ट्रीय नेता और मान्यवर कांशीराम साहब दलित नेता, मान्यवर साहब से बड़ा कौन रसायन का राजनीति शास्त्र। ये सब परसेप्शन हमने मीडिया के जरिए तोड़ा है और अभी भी तोड़ रहा हूँ। पाकिस्तान से हम उलझेंगे, हमें चाइना से आगे जाना है, अमेरिका से आगे जाना है, उसके लिए पॉलिसी बननी चाहिए संसद में। तो दलित पिछड़े आदिवासी नेता देश की भलाई के लिए काम करते हैं, वो कभी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते। सब मनुवादी मीडिया ने उनको बदनाम कर रखा है। क्या कहना चाहेंगे वैशाली की जनता के लिए, कितनी तैयारियां करी हैं? वैशाली की जनता तैयार है, मैं तो उनका आदेश मान रहा हूं और आ रहा हूं। उन्होंने हमें कहा कि आपको ये काम करना है। वैशाली मेरा गृह जिला भी है, वैशाली में पला बढ़ा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, ऐतिहासिक स्थल है, घमंड है मुझे, प्राउड है वैशाली पर। प्राचीन लोकतंत्र की जननी है वैशाली, सम्राट अशोक, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर की कर्मस्थली है, जन्मस्थली है, तो प्राउड है मेरे लिए। और वैशाली से मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है और वहाँ की जनता जो है वो मेरे साथ खड़ी है, तो तैयारी उनकी है। मैं क्या तैयारी करूँगा, जनता मालिक है। उनकी तैयारी है कि इस बार बहुजन, न धनबल न बाहुबल, इस बार बहुजन। क्या BSP से अभी तक आपको टिकट मिला, जो तमाम चैनलों में मैं देख रही हूँ? पार्टी का सवाल भविष्य के गर्भ में है। जो वैशाली के लोग कहेंगे मैं वही आदेश मानूंगा। जो लोग कहेंगे जिस पार्टी से आइए, नहीं आइए, निर्दलीय आइए, वो लोग जैसे कहेंगे वैसे मैं तैयारी करूँगा, अभी तो समय है। सुप्रीमो मायावती की विचारधारा में आपकी कितनी सहमति है? मुझे तमाम बहुजन नेताओं की विचारधारा में सहमति है, क्योंकि वही स्कूल, अस्पताल, गरीब, दलित, पिछड़ों की बात करते हैं। मायावती जी मुख्यमंत्री थी, शानदार काम किया। लालू यादव मुख्यमंत्री थे, शानदार काम किया। रामविलास जी ने भी शानदार काम किया है, अखिलेश यादव ने भी शानदार काम किया है। तो बहुजन नेताओं ने इस देश को में काम किया है, वो कहाँ जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, गाय गोबर की राजनीति करते हैं क्या? तो हमारे तो सारे नेता काम करते हैं। बस वैशाली में चूंकि 75 साल से कोई दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक नहीं बना है, तो इस बार लोग कह रहे हैं कि इस बार तो वैशाली में बहुजन। लेकिन बीते साल 2019 में ये महिला बनी है, तो ये तो एक सम्मान की बात है। नहीं, महिलाओं को सिर्फ, लेकिन वो सवर्ण समाज से महिला है, दलित पिछड़े महिला कहाँ है, अल्पसंख्यक समाज की महिला नहीं है, सवर्ण समाज की महिला है। सवर्ण समाज की महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, ठीक ठाक है संसद में। बहुजन समाज की फुलबतिया देवी कहाँ है, हमारी माँ कहाँ है, हमारी बहनें कहाँ हैं, गोबर चुनने वाली कहाँ है, फसल काटने वाली कहाँ है, उनके बच्चे कहाँ हैं? पढ़े लिखे सवर्ण समाज की महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन है, सवर्ण समाज का भी 50% से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है। तो वैशाली से इस बार बहुजन मांग रहा है वैशाली की जनता। आपने कहा कि हमारी, यानी कि जो गोबर इकट्ठा करती हैं, जो खेतों में काम करती हैं, वो आखिरकार इस पद पर क्यों नहीं, तो क्या चाहते हैं आप, जो योग्य नहीं है वो भी उस पद पर रहे? ये किसने कह दिया कौन योग्य है नहीं है, ये कौन तय करेगा? तो जनता तय करेगी ना, ये पत्रकार तय कर रहे हैं ना अब तक इस देश के मनुवादी मीडिया कि दलित पिछड़ा आदिवासी भ्रष्ट है और योग्य नहीं है। रुक जाइए थोड़ा देर, संविधान की चक्की बहुत मशीन पीसती है। इस देश में 90% आबादी दलित पिछड़े आदिवासियों की है और उनका ही रिप्रेजेंटेशन होगा, संविधान पूरी तरह से लागू होगा। ये सब बहुत दिन नहीं चलेगा, समाज जागरूक है, सोशल मीडिया है। ये सर्टिफिकेट बांटने वाले कौन होते हैं, इस देश को बनाने वाले में, खेत जोतने वाले, सब्जी बेचने वाले, वो आपको उनमें मेरिट नहीं लगती है? मायावती जी ने नहीं चलाया, उनकी माँ क्या थी, गरीब घर से थी। राबड़ी देवी ने नहीं चलाया,
ये सब नहीं चलेगा। दलित पिछड़े आदिवासियों को, और उनके अब तो दलित पिछड़े आदिवासी समाज में सिर्फ MBBS भी हैं, PhD भी हैं, उनको क्यों नहीं जाने देते हैं लोग संसद? उन्हें भी शायद आपको पता होगा कि कहा जाता है कि आरक्षण के बदौलत वहां बैठे हैं। ये लोग जो कह रहे हैं ना, वो सबसे ज्यादा आरक्षण 2000 साल से खा रहे हैं। आरक्षण विरोधी तो देश विरोधी है, संविधान विरोधी लोग हैं। और अब इस देश में किसको आरक्षण नहीं मिल रहा है, एक का बताइए, सबको आरक्षण है। जनरल के बच्चे आए दिन प्रदर्शन करते रहते हैं कि आखिरकार उनको भी 10%, उनको भी जनरल कैटेगरी के भी 10% आरक्षण है, जो कि असंवैधानिक है। इस देश में सरकार आएगी तो ये असंवैधानिक आरक्षण खत्म होगा, अगर दलित पिछड़े आदिवासियों की सरकार आएगी तो। कहा जा रहा है अगर बहुजन इतना ही योग्य है तो आरक्षण को हटा देना चाहिए, अब तो बराबरी की लड़ाई लड़नी चाहिए। हाँ, वो भी अपना जमीन छोड़ देना, वो भी अपनी पुस्तैनी संपत्ति छोड़ दें, वो भी सरकारी स्कूल में आके पढ़ें, वो भी हमारी तरह बकरियां पालें, भैंस चराएं, उनकी बाँ भी मजदूरी करें। पहले रेस की लाइन तो एक कीजिए, एक के पैर में आप, एक को आपने गरीबी में अशिक्षा में बांध दिया है, 2000 साल से पढ़ने नहीं दे रहे हैं, लिखने 75 साल हुए हैं अभी आरक्षण आए हुए, और वो भी OBC को तो अभी 1992 में मिला है मंडल कमीशन। ये सब वही लोग बोल रहे हैं जिनको जो 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 चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं, वो हमको सांसद और चीफ मिनिस्टर बनने देंगे। उनकी बातों का कौन परवाह करता है? TV उनका, अखबार उनका, मीडिया उनकी, जुडिशियरी उनका, ब्यूरोक्रेसी उनका, सब में भागीदारी मिलेगी धीरे धीरे संवैधानिक तरीके से। हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं और संवैधानिक तरीके से धीरे धीरे भागीदारी मिलेगी देर सवेर। बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है वोट का, वोट ही हमें सारे अधिकार दिलवाएगा। लेकिन उन्हें तो वो सब विरासत में मिला है, अगर आप उनसे सवाल करेंगे वो तो कहेंगे ये विरासत में मिला है, आपत्ति क्या है? ये तो उनके हो सकता है, वो कहें कि पुनर्जन्म के। आप चाहते हैं कि हमारे विरासत में जो गरीबी है हम उसी के साथ जिए? आप चाहते हैं हमारे विरासत में शिक्षा उसी के साथ जिए? आप कितना भोला है या बहुत शातिर हैं? विरासत में मिला तो यहाँ तो अंग्रेज भी थे, अंग्रेजों के समय हम सब एक गुलाम थे। कोई पढ़ा लिखा समाज हो गया, कोई अनपढ़ समाज कैसे हो गया? कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से भेदभाव हुआ है, शोषण हुआ है, और वो जाति के नाम पर हुआ है। शूद्र बनाकर, अछूत बनाकर दलित पिछड़े आदिवासियों को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, लेकिन आज़ादी के बाद हमें बाबा साहब के संविधान ने अधिकार दिया, इसलिए हम पीछे की बातें भूल चुके हैं। हम संविधान जो लागू है आज, हम उसको पूरी तरह से लागू कराना चाहिए। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है वो मिलना चाहिए। हम किसी से, हमें दुश्मनी नहीं है, हमें किसी से वैमनस्यता नहीं। आज जो संविधान है हमको वो संवैधानिक अधिकार चाहिए। पीछे क्या हुआ नहीं हुआ हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं बहुत। तो आज के में, तो आज के युग में तो अमृत काल चल रहा है। हाँ, अमृत काल जिनके लिए चल रहा है चल रहा है, हमारे लिए तो नहीं चल रहा है। हमारे लिए तो बेरोजगारी है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, कंपनियां बेची जा रही है, हमारे बच्चे मजदूर बन रहे हैं, हम जनरल बोगी में चल रहे हैं, हम ही सब्जी बेच रहे हैं, ठेला चला रहे हैं। हमको भी अमृत काल में IAS बनना है, कलेक्टर बनना है, MLA MP बनना है, टॉप मिनिस्टर्स हमारे होने चाहिए, गवर्नर होने चाहिए, मुख्यमंत्री होने चाहिए, हमारे लोगों को रक्षा मंत्री बनना है, फाइनेंस मिनिस्टर बनना है। आपको लगता है कि उतनी योग्यता है बहुजनों में? सर के हम बनाते हैं, बिल्डिंगें हम बनाते हैं, इसरो में 3-3 OBC के वैज्ञानिक है जानकारी आपको? बिल्कुल। बाबा साहब किस समाज से थे जिन्होंने संविधान दिया? कलाम साहब किस समाज से थे? ये योग्यता कुछ नहीं होता है ज्योति यादव जी, सबसे बड़ी बात होती है मौका मिलना। अगर आपको भी गाँव में छोड़ दिया जाता और पढ़ने लिखने का मौका ना मिलता तो आप पत्रकार ना होते। तो हमें अपने नस्लों के लिए मौका चाहिए, स्कूल चाहिए। आज स्कूल बंद किया जा रहा है, सरकारी अस्पताल बंद किया जा रहा है, सफाई कर्मचारी बना रहे हैं, गरीब दलित पिछड़े आदिवासी गरीब बना रहे हैं। हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं, हम अपने अधिकार के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खैर जो किया है वो सभी के लिए किया है, लेकिन फिर भी जैसे रामपुर की घटना बताती है कि एक मूर्ति या एक तस्वीर लगाने से इतनी आपत्ति। देखिए, यही जातिवाद है। ये देश तभी मजबूत बनेगा जब सबको बराबर, सब पढ़ेंगे लिखेंगे, सबको बराबर का मौका मिलेगा। सर, लेकिन और जो लोग तो जातिवादी हैं वो देशद्रोही हैं, वो संविधान विरोधी हैं, उनको अपनी चीज़ें देर सवेर सुधारनी पड़ेगी। जातिवाद अब इस देश में नहीं चलेगा, लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि कुछ लोग यही सोचते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने केवल बहुजनों के लिए काम किया, तभी तो नफरत है शायद। वो लोग इस देश को कमज़ोर कर रहे हैं जो बाबा साहब को जातियों में बांध रहे हैं। बाबा साहब ने इस देश की महिलाओं को अधिकार दिया है, इस देश को मजबूत किया है,
सम्राट अशोक के बाद सबसे ज्यादा देश को मजबूत बाबा साहब, जब भारत अखंड भारत था, जब सम्राट अशोक का भारत था, बुद्धमय भारत था, चंद्रगुप्त मौर्य का भारत था, और उसके बाद आज संविधान ने भारत को एकजुट किया है। बाबा साहब ने इस देश को मुल्क बनाया है, बेहतर मुल्क बनाया है, बेहतर संविधान दिया है। हम जातियों में बटे हुए थे, हम छोटे छोटे राजाओं टुकड़ों में बटे हुए थे, सब एकजुट हुए हैं, और ये देश तभी मजबूत होगा जब सबको बराबर। आपके दो भाई हैं, एक भाई कमाएगा, एक भाई नहीं कमाएगा, तो आपका आप अमीर हो पाएंगे? अगर दोनों भाई कमाएगा तो ठीक, वैसा ही देश है। देश में जब सबको बराबर का मौका मिलेगा तभी देश बेहतर होगा। एकदम साधारण सवाल है। जो इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक के अधिकार के खिलाफ है, वो देश को कमजोर कर रहे हैं। सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। पैसा और पार्टी की कितनी तैयारी है? पैसा और पार्टी, हमारे बहुजन समाज के जो भी राजनीति में लोग आए हैं, न उनके पास कभी पैसा था न पार्टी थी। उन्होंने पहले समाज सेवा की, फिर राजनीति की, फिर पार्टी भी बनाई, और आज बहुजनों की पार्टी है। बस ज़रूरत है कि अब धीरे धीरे समाज सेवा जो अब नए लोग कर रहे हैं, अब लालू यादव संसद में नहीं है, रामविलास जी भी नहीं है, मायावती जी भी अभी संसद में नहीं है, शरद यादव अब नहीं रहे, तो हमें लक्ष्मण यादव, रतन लाल, डॉक्टर रितु, रोहित वेमुला की माँ, उमर खालिद, मीरान हैदर जैसे जो संघर्ष कर रहे हैं समाज के लिए, सर को ऐसे हजारों नाम हैं, उनको संसद भेजना पड़ेगा। भाई चंद्रशेखर, आकाश आनंद, तमाम हमारे बहुजन समाज के जो युवा नेता हैं, उनको संसद भेजना पड़ेगा। 90% बहुजनों को संसद आना पड़ेगा, तभी उनके संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। बहुजनों में क्या लगता है, अभी भी एकता की कमी है? नहीं, एकता और जागरूकता दो चीज़ों की। देखिए, जो समाज जिसको शिक्षा से दूर रखा गया, व्यापक, फुले ने क्या कहा है, विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया। हमें शिक्षा से दूर रखा गया, हमें संपत्ति से दूर रखा गया था, आज़ादी के बाद हमें सारे अधिकार मिले हैं। हम धीरे धीरे जागरूक हो, शिक्षित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, और हम एकजुट हो रहे हैं। ये सब मनोमीडिया की अफवाह है कि हम एकजुट नहीं, हम एकजुट हैं। वैशाली में क्या क्या तैयारियां करके चल रहे हैं? क्या आपकी पूरी नेशनल दस्तक की टीम जाने वाली है प्रचार? नहीं, इसका नेशनल दस्तक से कोई लेना देना नहीं। हाँ, अकेले? हाँ, मैं अकेले जाऊंगा, मेरे दोस्त लोग कवर करने जाएंगे, देश भर के पत्रकार आएंगे, देश भर से लोग आएंगे, और मैं अकेले चला हूँ, अकेले लड़ूंगा, और समाज वहाँ का साथ है, वैशाली की जनता हमारे साथ है, वो हमारे साथ रहेंगे। मुख्य मुद्दे क्या होने वाले हैं आपके? वही जो सारे बहुजन नेताओं ने काम किया था, कि स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई, नौकरी, वही हमारा मुख्य मुद्दा है। हम धर्म जाति की राजनीति नहीं करते हैं। ये तो मीडिया ने, लालू यादव पिछड़े नेता हैं, तो मायावती जी दलितों की नेता हैं, ये तो मीडिया का टैग है उनका। अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय नेता, मायावती जी दलित नेता, उनसे बड़ा कौन राष्ट्रीय नेता है? आडवाणी राष्ट्रीय नेता, और मान्यवर कांशीराम साहब दलित नेता, मान्यवर साहब से बड़ा कौन रसायन का राजनीति शास्त्री? ये सब परसेप्शन हमने मीडिया के जरिए तोड़ा है, और अभी भी तोड़ रहा हूँ। हमारे नेता राष्ट्रीय नेता, इस देश में सारे जनाधार वाली पार्टी बहुजन पार्टी है। ये मीडिया की बेईमानी अब लोग जान गए हैं सोशल मीडिया से, इसलिए तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज से आने वाले लोग राष्ट्रीय नेता हैं, बड़े नेता हैं, ये लोग पैसे वाले लोग हैं। तो क्या पैसे वाले हैं इसीलिए उतने बड़े पद पर हैं, या चालाकी से उतने बड़े पद पर हैं? नहीं, समाज जैसे पैसे से अब राजनीति नहीं होती है। अब पैसे से राजनीति नहीं होती है? अब नहीं होती है, अब धीरे धीरे समाज जागरूक हो रहा है। अब राजनीति होगी जो समाज सेवा करके जाएगा, जो इस देश के गरीब, शोषित, वंचितों की आवाज़ उठाएगा, जो देश की सुरक्षा का मुद्दा बनाएगा, जो देश में सबको बराबर का मौका देगा। इस देश में वैज्ञानिक सोच बढ़नी चाहिए, इस देश में सेना की मजबूती होनी चाहिए। हमें चीन से मुकाबला करना है, हम आपस में भाई भाई में लड़ने के लिए नहीं आए हैं। हमें कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाना पड़ेगा, अस्पताल बनाना पड़ेगा, विज्ञान डेवलप करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बनाना पड़ेगा। ये सब बातें मैं संसद में बोलूँगा कि ज़रूरत क्या है इस देश को। धर्म और जाति से ऊपर उठकर देश को मजबूत बनाने के लिए विज्ञान को अपनाना पड़ेगा। हमें चाइना से आगे जाना है, पाकिस्तान से हम उलझेंगे, हमें चाइना से आगे जाना है, अमरीका से आगे जाना है। उसके लिए पॉलिसी बननी चाहिए संसद में। और बहुजनों ने इस देश का भला किया, मायावती जी ने कितनी शानदार सड़कें बनाई हैं, लालू जी ने कितने स्कूल बनाए, हेमंत सोरेन कितना काम कर रहे हैं। तो दलित, पिछड़े, आदिवासी नेता देश की भलाई के लिए काम करते हैं, वो कभी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते। सब मनुवादी मीडिया ने उनको बदनाम कर रखा है। जीतने के कितने चांसेस हैं आप बताइए? अब तो जनता से जाके पूछिए।
आपको क्या लगता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि समर्थन मिल रहा है लोगों के कहने पे? मैं तो जीत रहा हूँ। जीत रहे हैं या जीत चुके हैं आप अपने मन में? आप जनता से भी राय लीजिए और हमारे साथ समाज है, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। जीत चुके नहीं कह सकते, जीत चुके तो सर्टिफिकेट मिलेगा जब चुनाव होगा, अभी तो नामांकन है, वोटिंग होगा, लेकिन जनता साथ है, जनता पर भरोसा है, जनता बुला रही है, जनता की डिमांड है कि आइए वैशाली को आजाद कराना है। शंभू सिंह का निजी स्वार्थ क्या है इन सबके पीछे? आपका पत्रकारिता करने में क्या निजी स्वार्थ है? ये तो क्रॉस क्वेश्चन ही होगी। तो आप क्या चाहते हैं कि आप राजनीति में होता रहे तो सवाल तो सवाल है तो हम भी जवाब ही तो दे रहे हैं। निजी स्वार्थ ये है हमारा कि वहाँ के बच्चे गरीबी से निकलकर शंभू कुमार सिंह की तरह पत्रकार बने। हमारा निजी स्वार्थ है कि वहाँ के बच्चे गरीबी से निकलकर वैज्ञानिक बने। हमारा निजी स्वार्थ है कि वहाँ के बच्चे गरीबी से निकलकर बिजनेसमैन बने। हमारा निजी स्वार्थ है कि वैशाली के बच्चे, अगर मैं सांसद हूँ, तो वहाँ के बच्चे IPL खेले, फुटबॉल में जाएं, बिजनेस बने, विदेश पढ़ें, और वैशाली में जो हैं बच्चे उनको वैशाली में भी बेहतर स्कूल बने। ये मेरा निजी स्वार्थ है कि मेरा जिला, मेरी लोकसभा, अगर मैं सांसद बनता हूँ तो टॉप पर हो, जिसकी ना चर्चा दुनिया भर में हो। ये मेरा निजी स्वार्थ है। बीते 10 सालों से नेशनल दस्तक पर तमाम लोग आपको देख रहे होंगे और काफ़ी लोग मिले होंगे जिन्होंने कहा कि आपकी वीडियो देख के काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन वो एक क्षण, वो एक पल, या वो एक किस्सा, या वो एक कहानी जो आपको लगा हो कि सच में समाज में काम किया है, इसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा? नहीं, मैंने जितना काम नहीं किया उससे ज़्यादा समाज हमें प्यार दे रहा है। और मुझे लगता है जब मैं देश के किसी भी हिस्से में जाता हूँ तो लोग मिलते हैं, बात करते हैं। हमने सिर्फ मीडिया के क्षेत्र में भी काम किया है, क्योंकि मैं पत्रकार हूं तो मीडिया के क्षेत्र में काम करूंगा। मैं राजनीति में इसलिए आया हूं क्योंकि मेरा आयाम बढ़ेगा, मुझे और मौके मिलेंगे, उनके लिए संवैधानिक प्रावधान को और मजबूत करेंगे, कानून बनाने का मौका मिलेगा, और जो भी MP के अधिकार हैं वो मैं एक जिला को मॉडल जिला बनाऊँगा, स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई सबके लिए बराबर का मौका। शुरुआत वैशाली से जो मेरा गृह जिला है। नेशनल दस्तक, शोषित वंचित की आवाज, सुप्रीम बहुजन आवाज, सुप्रीमो मायावती, भारत के सबसे मजबूत नेता, सबसे सम्माननीय नेता, बहुजन समाज, बहुजन समाज, देश निर्माता, मेहनत कश लोग, ईमानदार लोग, जो इस देश को बनाने के लिए दिन रात अपना घर परिवार सब छोड़ रहे हैं, और आज भी वो उनको अधिकार नहीं मिल रहा है। ये देश तभी मजबूत होगा जब इस देश के शोषित वंचित बहुजन समाज के लोग मजबूत होंगे, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से। राजनीति लोकतंत्र इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है, उसी से इस समाज का जो भी भला हुआ है आज़ादी के बाद, सबको जो मौका मिला है वो लोकतंत्र और आज़ादी की वजह, राजनीति की वजह से। इसलिए राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है, सबको राजनीति में आना चाहिए, हर व्यक्ति को राजनीति करनी चाहिए। राजनीति करना मतलब चुनाव नहीं होता है, नज़र रखना होता है कि देश में क्या चल रहा है, सही चल रहा है, गलत चल रहा है, सही को सही, गलत को गलत कहना ही राजनीति है। परिवार बहुत ज़रूरी है, जो परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा वो लोगों का दुख दर्द समझेगा। परिवार बहुत अहम है। जे न्यूज़, ये मैंने बहुत हंस के पूछा। आपका चैनल बहुत अच्छा हो, लोग इनको सब्सक्राइब करें, देखिए। ज्योति बहुत मेहनती हैं और बहुजन समाज के ऐसे हज़ारों पत्रकारों की ज़रूरत है जो आप तक आपकी समस्याओं को, आपकी सफलताओं को पहुंचाता है। अंत में लाखों दर्शकों से या जितने लोग भी देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही कहूँगा कि बहुत सोच समझ कर वोट कीजिए, वोट ज़रूर कीजिए, और भारत में डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है, लोकतंत्र बहुत ज़रूरी है, और बहुजन नेताओं को बदनाम किया गया है, उस मनुवादी मीडिया पर भरोसा मत कीजिए, और अपने संवैधानिक अधिकार के ध्यान में रखते हुए, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए धर्म और जाति के नाम पर मत डालिए, समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए वोट डालिए, और ऐसे लोग को चुनिए जो समाज में बेहतर काम करके आपसे वोट मांगने आ रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।